जय माता दी दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह सुबह काम चल पड़ा है। काम ये है कि हमारी मशीन होगी ख़राब, तो 2 साल की वारंटी है अभी। तो भैया आ गए थे, सैमसंग की मशीन है, भैया ठीक करने के लिए आ गए, तो वो चेक कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और धरा पूरा देख रही है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ धरा के पापा खड़े हैं और मैं किचन में कर रही हूँ अपना काम जो है खाने का। यहाँ पर मैंने आलू रख दिए थे बॉयल करने के लिए और हो भी गए हैं। अब ठंडे होने देती हूँ फ्रेंड्स थोड़ी देर। और आपको पता है बर्तन तो मेरा ख़राब था, बट मैंने जितना भी खाना बनाया ना भोग का अपने लिए, तो इसी बर्तन में बनाया। बेशक ख़राब हो गया बट मैं बना रही हूँ क्योंकि नया था नहीं और कोई बर्तन, तो ये वाली सब्ज़ी मैं पूरी मिक्स करके बना दूँगी ताकि पेट भी भरा रहे। और सादा खाना फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल जो खा लेते वही बनाया मैंने। पनीर, आलू, टमाटर ऐड करके, हरी मिर्ची, थोड़ा अदरक ऐड करके सब्ज़ी बना ली है सिंपल सी। अभी मैं बना लूँगी छोटी छोटी रोटियाँ। फ्रेंड्स, इस आटे से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट एक ही खाऊंगी रोटी, मतलब खाना तो है। मैंने आलू ना थोड़े ज़्यादा डाल दिए थे जब मैंने आटा गूंदा ना, अभी बताती हूँ आपको। ये देखिए थोड़ा सा आटा है, इसमें मैंने 2 आलू जो है वो ऐड कर दिए हैं। और खाना, भूख तो लगेगी फ्रेंड्स, और बस एक ही टाइम खाते हैं तो इसलिए पेट भरना भी ज़रूरी है ताकि भूखे ना रहें, नहीं तो माता रानी जी को भी कष्ट होगा अगर हम ज़्यादा अपने आप को भूखा रखेंगे ना, वो भी अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए भोग भी लग गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना खाना जो है वो डाल लिया, तो ये मोर देन एनफ है। एक रोटी तो पेट भर जाता है और बहुत सॉफ्ट बनती है। आलू ज़्यादा डालो वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस फ्रेंड्स, यही खाना खाया मैंने। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे फ्रेंड्स। और आज है 6th नवरात्रा, कल मंगलवार को सप्तमी और वीरवार को अष्टमी। आज 6th ही है ना, मुझे शायद गलती ना हो, अगर होगी तो बता देना, बट मुझे लगता है वीरवार को कंजक पूजन हम करेंगे और मैं शुक्रवार को माता जी का विसर्जन करूँगी, क्योंकि बुधवार को नहीं करूँगी कंजके, अगर हमने वीरवार को देनी है तो विसर्जन जो है शुक्रवार को बनता है। तो एक दिन माता जी को और रख लेंगे घर पर। तो फ्रेंड्स, आप बताना मुझे कल वाली वीडियो आपको कैसी लगी। आपको अच्छी ही लगी है, बट ये बात देख लो व्यूज़ की कितनी कमी है। मेरी इस वीडियो में भी व्यूज़ की कमी है, बट जो मुझे, जो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कमेंट किए हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा, और रियली यही सच्चाई है फ्रेंड्स। तो ठीक है, इस टॉपिक में बात नहीं करते, आपको पता ही है, और कुछ लोगों को अपनी कमियाँ पता ही होती हैं जो हमने की हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाऊँगी चाय अपने लिए, शाम का टाइम है, और साबूदाने की खिचड़ी बोला मैंने इनको, ले आओ पैकेट, वो खिचड़ी बना लेती हूँ। क्या हुआ? तो मुझे ये नहीं पता मैंने लास्ट टाइम नेल पॉलिश कब लगाई, तो आज मैंने लगा ली है। देखो, बड़े दिन के बाद नेल पॉलिश लगाई है। और पानी पीना है? दे दे जरा इसको पानी, काले की आवाज़ सुन लो आप। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी चाय बन के होगी रेडी। आज मैंने ना पानी डाल के चाय बनाई है, पानी वाली चाय बनाई है। मैं ना दूध वाली चाय, मेरा पीने का मन नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स, कल का व्लॉग और आज का व्लॉग इकट्ठा ही शूट कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। कल मैं जैसे नहाई हूँ, मुझे लगा फीवर हो गया मुझे, और तब से सर में दर्द है, जो कि मुझे आज तक हो रही है, शायद मे भी फास्ट की वजह से भी हो रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं चाय पी लेती हूँ, और कल के नवरात्रे की 5th और आज 6th है, दोनों का व्लॉग जो है वो मैं आज ही पोस्ट करूँगी। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा नफ़रत होती है जब चप्पल ऐसे बिखरी होती है। तो रोज़ का काम है ये मेरा, ये भी जब भी आते हैं चप्पलें ठीक करते हैं, बच्चे अच्छी तरह से नहीं उतारते, कई बार जल्दी जल्दी में ऐसे उतार देते हैं। और यहाँ पे नलका आ गया हुआ है, मशीन हमारी टचवुड हो गई है ठीक, तो बिल्कुल मोटर नहीं डाली है भैया ने। फ्रेंड्स, शाम को हमारा काम थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि नलका जो है ना वो लेट आता है। हमारी मशीन जो है ना 2-3 दिन से आवाज़ कर रही थी, तो सैमसंग की है। आज फिर कंपनी वाले भैया आए तो उन्होंने ठीक की है, मोटर ठीक थी बट कह रहे थे बीच में शायद कुछ फंसा होगा, तो फिर उन्होंने मोटर चेंज कर दी। अभी शुक्र करो एक पैसा नहीं लगा मेरा, 2 साल की वारंटी थी इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरी ना अभी तबीयत हो रही ख़राब, बर्तन साफ करने वाली है, एडिटिंग करने वाली है, वीडियो पोस्ट करूँगी, काम बहुत है करने वाला, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो कल मिलती हूँ आपसे, प्लीज़ अपनी केयर करें। और एक बात और, मेरी सिस्टर्स पूछ रही थी कि रिलेटिव्स को बुरा लग सकता है जो मैंने कल वीडियो बनाई है, तो मैंने कुछ ऐसा बुरा बोला नहीं है,
हाँ, उन रिलेटिव्स को बुरा लग सकता है जो आपसे झूठ मूठ बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते। लेकिन जो आपकी जेन्युइन में देखते हैं ना, उनको क्यों बुरा लगेगा? तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है उस बात की। जो हमारे अपने हैं वो तो देखते ही हैं फ्रेंड्स, और जो जिन्होंने ज़बरदस्ती का सौदा किया है वो नहीं देखेंगे। तो इसका आप माइंड मत करो, इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो अपने हैं वो कभी बुरा नहीं मानते, लेकिन हाँ, जो दिल से अपने नहीं होते वो बुरा मान लेंगे। मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक ले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी, बाय।